और में सियासी पारा भी हाई है। पूरे चरम पर बेनीवाल वर्सेस मिर्धा देखा जा रहा है। बेनीवाल ने रिचपाल मिर्धा को भगोड़ा कह दिया था। डेगाना में जनसभा के दौरान उन्हें भगोड़ा कहा गया, जिस पर रिचपाल मिर्धा ने भी बेनीवाल को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 35 साल से डेगाना का वोटर हूं। बेनीवाल का गांव नागौर में आता है, लेकिन चुनाव खीवसर से लड़ते हैं। कि डेगाना के अंदर ऐसा उम्मीदवार आएगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और जिसका सोचा भी नहीं होगा, और वो आएगा, आते ही कांग्रेस थर्ड चली जाएगी। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी आरएलपी का डेगाना के अंदर। मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस को आपने कहने टाबर गांव में कि वो थर्ड आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड करा के भेजूंगा। और जो बात फ्यूचर की कर रहे हैं ना, तो वहां तो जमानत जब तैयार है, भेज दो किसी पे। ये कल हनुमान बेनीवाल की सभा हुई थी डेगाने में, इसके लिए मेरा वीडियो 2 नंबर आज जारी कर रहा हूं। उसने बोला कि ये रिचपाल मिर्धा भगोड़ा, अरे मैं 35 साल से डेगाना, मेरा लंगोड़ का मैं वोटर हूं, और मेरा मकान है डेगाना में, और मैं डेगाना चुनाव लड़ता आया हूं 1990 से। मैं कैसे भगोड़ा हो गया? भगोड़ा तो तू है, अरे तेरा गांव है उसमें, बंड गांव किसमें है? नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और तू चुनाव लड़ता है किमसर में, भगोड़ा तो तू है। और एमपी चुनाव में तू हनुमान बेनीवाल जब गठबंधन करके पां पीसी करके सीधा मेरे घर आया था, और मेरे और मेरी घरवाली के पैर पकड़ के बैठा था कि जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक उठ के नहीं जाऊंगा, मेरी मदद करो, और तेरी मदद की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए प्राइम डिबेट मेरे साथ। नमस्कार।